पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान को भले ही जेल में डाल दिया हो, लेकिन पाकिस्तान चुनाव में इमरान खान को समर्थन देने वाले निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहे हैं। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा उन्हीं के नेता जीतने वाले हैं। अब ऐसे में सेना की तमाम कोशिश के बावजूद भी इमरान सत्ता की पार्टी सत्ता में आती दिख रही है। अभी तक जो भी नतीजे सामने आए हैं उसमें पीटीआई समर्थित उम्मीदवार जीत रहे हैं। वहीं अब इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी को अवैध करार दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर इस्लामिक निकाह के मामले में 7-7 साल की सजा भी सुनाई गई है। बुशरा बीबी पर आरोप था कि उन्होंने अपने पति यानी कि जो पहले पति थे फरीद मानेका को तलाक देने और इमरान खान से शादी करने के बीच जरूरी वेटिंग पीरियड यानी इद्दत को पूरा नहीं किया था। दरअसल इस्लाम में शरीयत के मुताबिक इद्दत के वक्त यानी एक तय समय के लिए महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती। अब ऐसे में बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुना दी गई है। तो वहीं अब बात करें इमरान खान की निजी जिंदगी की, तो चलिए आपको इस वीडियो में इमरान खान के पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं। इमरान खान की छवि एक प्लेबॉय की तरह रही है। 1992 में जहां इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान को चाहने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान के नाम कई सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ जुड़ने लगे और इस दौरान उनकी मुलाकात हुई जेमिमा गोल्डस्मिथ से, जो कि एंग्लो फ्रेंच कारोबारी सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी है। मुलाकात हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदली। फिर इस साल 1995 में इमरान ने जेमिमा से शादी कर ली थी। इसके बाद इमरान खान के प्यार में डूबी जेमिमा ने इमरान के लिए इस्लाम अपना लिया। हालांकि इमरान और जेमिमा का ये रिश्ता जो था वो ज़्यादा देर तक नहीं चला और साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया। जेमिमा से इमरान के दो बेटे हैं, सुलेमान, ईसा और कासिम, जो कि अब अपनी माँ के साथ लंदन में रहते हैं। आपको यहाँ से ये भी बता दें कि जेमिमा और इमरान के बीच तलाक का कारण इमरान का राजनीति में जाना बताया जाता है, क्योंकि जेमिमा ने जिस इमरान खान से प्यार किया था वो क्रिकेटर इमरान खान था, लेकिन अब इमरान ने पॉलिटिक्स में जाने का फैसला लिया, जिसके लिए इमरान को पाकिस्तान में रहना जरूरी था, लेकिन जेमिमा इसके लिए तैयार नहीं थी और उसने इमरान से तलाक लेने का फैसला किया। इमरान की लव लाइफ का चैप्टर यही खत्म नहीं हुआ। 11 साल बाद इमरान को एक बार फिर मोहब्बत हुई और इस बार हुई बीबीसी टीवी की पूर्व एंकर रेहम खान से, और 8 जनवरी 2015 को इमरान ने रेहम खान से निकाह किया। शादी के महज 10 महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद प्यार जैसे दुश्मनी में तब्दील हो गया। रेहम खान जो कि एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम उन्होंने रेहम खान लिखा था। ये किताब रेहम ने साल 2018 में लिखी। रेहम की आत्मकथा ने चुनाव से पहले खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इसमें रेहम ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कई सारे राज खोले। यहां तक कि इस किताब में रेहम ने इमरान खान के कई सारी महिलाओं के साथ संबंधों का भी जिक्र किया था। इतना ही नहीं, रेहम ने एक बयान में कहा था कि इमरान से शादी का मतलब था कि पाकिस्तान में हर शख्स अब मेरी निजी जिंदगी में दखल दे सकता। हैरानी तो तब हुई जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का अपनी ही आध्यात्मिक गुरु बुशरा से नाम जोड़ने लगे। साल 2017 में दोनों के बीच अफेयर की खबरें सामने आने लगी, जो कि इमरान की तीसरी बेगम बनी। लेकिन इससे पहले जब भी इमरान खान और उनकी पार्टी से बुशरा मानेका के बारे में पूछा गया, तो पार्टी और इमरान के इस बात को हमेशा जो है नकारा। और जब इस बात को लेकर बहुत हल्ला हुआ, तो 18 फरवरी 2018 को इमरान ने ये बात मान ली कि उन्होंने बुशरा से निकाह कर लिया। इमरान और बुशरा को बीच उम्र को लेकर भी काफ़ी अंतर रहा। 40 साल की बुशरा इमरान से 25 साल छोटी। और इतने ही नहीं, बुशरा जिसकी पहली शादी इस्लामाबाद में एक सीनियर कस्टम अधिकारी से हुई थी, जिससे बुशरा के 5 बच्चे भी हैं, इमरान की तीसरी बेगम बुशरा का चेहरा काफ़ी कम लोगों ने ही देखा है, क्योंकि जब बुशरा इमरान खान के साथ नजर आई तब बुशरा बुरके में ही नजर आई। तो ये थी इमरान खान की लव लाइफ जो काफ़ी सुर्खियों में रही, और अब जो है बुशरा वो अब मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।